अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज मेरा की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा को बहुत ज़्यादा नज़ला हो रहा है। और क्या हो रहा है? मेरा खांसी हो रही है। और क्या हो रहा है? भाप हो रहा है, इसको बुखार हो रहा है। इसलिए मैं इसको सैंडविच बना के दे रही हूँ अपनी बेटी को। क्या खाओगी? सैंडविच खाएंगी। क्या खाएंगी? अभी मम्मा ने आपको दवाई पिलाई है ना, और अभी हम बना रहे हैं सैंडविच। ये देखें, इधर हम बना रहे हैं हनी वाले सैंडविच बच्चों के लिए, और इधर आलू वाले भी बन रहे हैं। तो ये दो तरह के सैंडविच बनाते हैं हम, और फिर हम आपको दिखाएंगे। और फ्रेंड ये देखें, हमारे सैंडविच हो चुके हैं रेडी। एक हमने बनाया है हनी वाला और एक हमने बनाया है पोटैटो वाला। तो अब टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसे बने हैं, मज़ेदार बने हैं या नहीं बने मज़ेदार। और फ्रेंड अभी मेरे पास है चाय मेरी शाम की, और साथ में है मेरे मज़ेदार से सैंडविच जो हमने अपनी न्यू मशीन में बनाए हैं। मेरा अच्छे लग रहे हैं आपको? कैसे हैं? यमी है ना? क्या हुआ, खा लो ना। और फ्रेंड मुझे बताना था आप लोगों को, हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, मेरे मनपसंद गिफ्ट जो मुझे बहुत दिनों से चाहिए थे। उनको पता था कि ये गिफ्ट मुझे लेना है, तो इस वजह से वो मेरे लिए कल ये गिफ्ट लेकर आए हैं। और वो हैं ये, एक है सैंडविच मशीन जिसको कि हम अभी आपको दिखा चुके हैं। इसमें हमने आपको सैंडविच भी बना के दिखाए हैं। और ये देखें, ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट मुझे मिला है हस्बैंड की तरफ से। बहुत प्यारा है ये गिफ्ट मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत पसंद आया, और इसका कलर बहुत ही प्यारा है। और ये देखें, इसको हमने ओपन कर लिया था। और सेकंड गिफ्ट है मेरा ये, जो है इलेक्ट्रिक केटल। और इसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि रात में गैस चली जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। वैसे तो मेरे पास माइक्रो हैगा, लेकिन फिर भी हस्बैंड ने मुझे ये वाला गिफ्ट दिया है। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा गिफ्ट है। और चलें मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा गिफ्ट है मेरे लिए। और ये इसकी वायर है, ये देखें। और ये देखें, ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये है इलेक्ट्रिक केटल जो कि फोल्ड हो जाती है, और मैं इसको अभी खोल के दिखाती हूँ आपको। ओहो, एक हाथ से तो ये खुल भी नहीं रही है। ये देखें, और ये देखें, ये है गिफ्ट मेरा दूसरा, जो कि है इलेक्ट्रिक केटल। और यहाँ पर है इसका प्लग का सिस्टम, और यहाँ है इसका ये बटन, और ये है रबर में। ये देखें, बहुत सॉफ्ट है ये। और ये देखें अंदर से, इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा नाइस है, बहुत प्यारा कलर है। इसमें 3 शेड्स थे, लेकिन इन्होंने मुझे कॉल करके पूछा था कि तुमको कौन सा शेड चाहिए, तो मैंने इनको पिंक बोला, तो ये पिंक लेकर आए हैं मेरे लिए। और फ्रेंड ये दोनों गिफ्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए। आई लव यू सो मच। ये देखिए, कलर भी बहुत प्यारा है इसका। इसको अभी मैंने यूज़ करके नहीं देखा, इसको भी हम यूज़ करके देखेंगे। और इसमें तो हमने सैंडविच बना लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बने हैं। और इसको अभी हमने यूज़ करके नहीं देखा है, इसको भी यूज़ करके देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि ये कैसी है। खैर, ये दोनों गिफ्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच माई लवली हस्बैंड। गेरी फिश। अरे फिश।
हटो मेरा देखने तो दो। वाह मेरा हट जाओ देखने दो। ये देखो गोरी वैसे नजर नहीं आ रही है, ऐसे नजर आ रही है वो। चलो 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 मेरा जाओ, मामू लेके जा रहे हैं तुमको। मेरा हटो मेरा हटो। ओए अल्लाह मेरी बेटी को खांसी हो रही है ना। आज इसका पानी चेंज नहीं किया ना, है ना? हाँ जब भी गदला गदला सा लग रहा है ना इसका पानी। अन्नी आ रही है आपको? हैं मेरी बेटी को अन्नी आ रही है, सो जाओ। बोल कहाँ है? बोल लेके कौन सोता है? अरे क्या पकाऊं मैं, तुम बता दो मुझे। हैं कोमा पका लूं? चावल। चावल? अच्छा कल तो पकाए थे चावल, बिरयानी पकाई थी ना कल। कोमा पका लूं? अच्छा बाबा खा लेंगे कोमा। अच्छा सही है, अभी तुम सो जाओ, अन्नी आ रही है ना तुमको। सो जाओ मेरी बेटी प्यारी, दवाई पिला दी है ना, सो जाओ। अन्नी कर लो, क्या करूँ, लाओ बोल मुझे दे दो और सो जाओ। सही है और फ्रेंड ये हमारे लेला मजनू गई, लेला अंदर चली गई, फोन अंदर जाके अंदर से झांकती रहती है। बाहर आओ जल्दी से, निकलो बाहर। और हमारे मजनू अच्छे हैं बेचारे, ये सामने सामने रहते हैं। और लेला बाहर आ जाओ, शाबाश। ये देखते शाबाश, फिर चली गई अंदर। हैं बार बार अंदर चली जाती है अपने घर में बदतमीज हैं? अरे भाई तुम क्या कर रही हो, चेयर पे क्यों खड़ी हो गई? नीचे उतरो, तुम तो सो रही थी, क्यों आ गई इधर? और ये हमारे तोते प्यारे प्यारे से, हाँ ये बिलू बिलू, ये बच्चे हमारे बिलू बिलू रे। हटो मेरा। और फ्रेंड अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारी ये वाली तोती अंडों पे बैठी हुई है, माशाल्लाह से इसने दोबारा से अंडे दिए हैं। और इधर वाली तोती जो है ये भी अंडों पे बैठी हुई है, अरे नज़र ही नहीं आ रही, ये भी माशाल्लाह से अंडों पे बैठी हुई है। देखो मेरा ये देखो, इसने भी अंडे दिए हैं माशाल्लाह से। ये देखें इसने अंडे भी दिखा दिए अपने माशाल्लाह से। वो ये अंडे भाई छोड़ के ना निकल आए कहीं। और ये वाली तोती जो है ये नहीं हटती है बिल्कुल भी अंडों पे से, ये बैठी रहती है देखें। और ये हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे मासूम मासूम से जो बैठे हुए हैं, पाचून पाचून से हैं, पाचून पाचून से मासूम है, मासूम निकालू नहीं ना, भागते हैं ये, हाँ ना भागते हैं निकलते नहीं। ट्रे देखो एक ही दिन में कितनी गंदी कर देते हैं ये, रोजाना सफाई करती हूँ इनकी ट्रे की। और ये झूले पे बैठी रहती हैं मज़े से, है ना मेरा। चलो आराम साहब से तो फूल ही नहीं रहे शहीर और अरे वाह कितने अच्छे लग रहे हैं, वाह ये रहा ये रहा ये रहा, मेरा मेरा नीचे गिर जाओगी मेरा, देखो उसको, अरे नीचे गिर जाएगी भाई, पकड़ लो, लटक गई हैं वो। मेरा इधर है इधर है, उधर नहीं जाओ, देखो मेरा ऊपर ही फाड़ दिया वो, देखो वो देखो अरम भाई बना रहे हैं बलून, देखो कितने अच्छे। ओए होए ओए अरम भाई नीचे बैठ के बनाओ ना, अरे मुझे अच्छे लगेंगे। बन कब रहे हैं अरम भाई का, खराब हो गया मुझे लग रहा है, शहीर सही बना रहा है।
ये मेरा ऊपर नहीं चढ़ो, मैं पिटाई लगा दूंगी। देखो कितने सारे बने, बनाओ। फ्रेंड आज किचन में बन रहा है क्या, दिखाते हैं आपको। मेथी आलू की भुजिया जो कि ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुकी है, और इसके साथ मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म परौंठे मज़ेदार से। क्योंकि ये भुजिया हो या पालक आलू की भुजिया हो, वो परांठों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर हमारी मेथी आलू की भुजिया तकरीबन तैयार हो ही चुका है, बस इसको हल्का सा भूनना है, ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगा। तो प्लीज़ अपने प्यारे से कमेंट्स में आप बताइएगा मुझे कि इस भुजिया को पराठों के साथ कौन खाता है, और तेल वो घी वाली रोटी के साथ कौन खाता है। क्या हो गया आपको, तबीयत ठीक नहीं है क्या, क्या हो रहा है? खांसी हो रही है। सही हो जाएगी ना, अभी दवाई पिलाई है ना, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मुंह देखें ज़रा, कोई लंबी बच्ची का। सुबह तक सही हो जाओगी इंशाल्लाह ताला, हैं? अल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं हो गई भाई, तबीयत सही हो जाएगी, ऐसी कोई तबीयत ख़राब थोड़ी है। खांसी नज़ला तो होता रहता है सबको, हैं, है ना? सही हो जाएगा ना। दूध पी लिया अभी? क्या पिया था, कावा पिया था? काका पिया था। कैसा था काका? मीठा था ना काका, तुमको अच्छा लगता है? काका अच्छा लगता है तुमको, हैं? अच्छा, हंस के दिखा दो। ऐ मेरी बेटी, तो फ्रेंड इसी के साथ ही अपने ब्लॉग का करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। और आज हम आपके साथ दो वीडियो शेयर करेंगे, जो है हमारे मुन्ने अबीर की वीडियो, और वो खुद ही ब्लॉग बनाता है। तो आप लोग हमारे को अपने कमेंट्स में बताइएगा कि वो किस, उसका चैनल नहीं है, चैनल नहीं बनाया है, लेकिन वो व्लॉग अपने घर में ही बनाता रहता है ऐसे अपने मोबाइल में। तो आज हम वो दो वीडियोस भी आपके साथ शेयर करें। हेलो गाइस, आज हमारा व्लॉग फिर से शुरू हो गया है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे व्लॉग को लाइक करा, हमारे वीडियो को लाइक करा है। और सब हाय गाइस, आज हम नारंग का बनाए तो दिया गया था, अब नारायण कावन है, नारायण कावन का खाना खा रहा हूँ। अंदर का भुर्ता देखा, नारायण कावन का भुर्ता, ये भुर्ता है अंदर? हाँ। वाह, नारायण कावन का खाना तो बहुत जबरदस्त है। ये कितने का बाय किया है आपने, कितने का लिया है? 4,300 का लिया ये। कितने का, जरा जोर से बोलिएगा। 4,300 का। 4,300 का नारायण कावन में इन्होंने ये खाना लिया है। और ये क्या नाम क्या है इस खाने का? सऊदियन मौसम्बी खा रहे हैं, और इसके अंदर भुर्ता है। ये देखें आप, ये सऊदियन मौसम्बी है। और आप कुछ कहना चाहते हैं गाइस को? गाइस आज ना हमारी अम्मा ब्लॉग बना रही हमारा, और मैगी भी खाएंगे हम, नारंग कावन में मैगी भी मिली, चूल्हे पे खाएंगे।